हर हर महादेव। मेरे प्यारे सनातन भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियां, सभी 12 राशियों की विस्तृत जानकारी पूरे दिन का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज अपनी पहली राशि से, मेष राशि। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है और दान धर्म के कार्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक आयोजन में आपको जाने का मौका मिलेगा। परिवार में भजन कीर्तन व पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है, जिसमें परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। जीवन साथी के किसी बात को लेकर आप परेशान रहेंगे और व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर विश्वास ना करें और अपनी बुद्धि व विवेक से ही निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी आवश्यक कार्य को आज आप गति दे पाएंगे। वृष राशि। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। कारोबार में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अपने आवश्यक कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। साझेदारी में काम करने से आपको कोई उपलब्धि मिलेगी। आप अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें और सबको साथ लेकर चलने में आप कामयाब रहेंगे। आपके किसी काम को ना करने की आदत को लेकर आप तनाव में आ सकते हैं। मिथुन राशि। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी कुछ लाभकारी योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है और आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन कमजोर रहने वाला है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और किसी काम में उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें। संतान आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपकी आज अपने किसी मित्र से बेवजह बहसबाजी हो सकती है। आपको अपने आस पड़ोस में रह रहे लोगों से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनमें कुछ आपके शत्रु हो सकते हैं। कर्क राशि। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। भाग्य का साथ मिलने से आप ऊंचाइयों को छू लेंगे और किसी नए निवेश की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होती दिख रही है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर कोई निर्णय लें तो उसमें दोनों पक्षों को सुनकर कोई निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने किसी मित्र की सेहत को लेकर आप परेशान रहेंगे। सिंह राशि। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय संबंधी कामों में मजबूती लेकर आएगा। आपका अध्ययन व अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और साझेदारी में किसी काम को करने में आप सावधानी बरतें। व्यवसाय में आपको आपका रुका हुआ धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और धार्मिक आयोजनों में भी आपकी रुचि रहेगी। आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से अवश्य छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में बहुत ही तोल मोल पर बोले और यदि आपसे कोई सलाह मांगे तो बिना मांगे किसी को सलाह न दें। आपकी पहल करने की नीति आपके लिए समस्या लेकर आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाना होगा, नहीं तो उन्हें घर से दूर नौकरी के लिए जाने में समस्या आ सकती है। माता पिता की सेवा में आपका दिन का काफी समय व्यतीत होगा। तुला राशि। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको घर परिवार में भी लोगों की बातों को समझना होगा। आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर चलकर आगे बढ़ेंगे। साझेदारी में किसी काम को करने पर आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे और यदि आपसे कोई गलती हुई थी तो आप उसके लिए भी माफी मांग सकते हैं। विद्यार्थी यदि विदेशों से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें कोई प्रस्ताव आ सकता है। वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अकस्मात लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों के साथ
आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे और किसी छोटी मोटी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। आपकी किसी पुराने गलती से आज पर्दा उठ सकता है। यदि व्यवसाय में मंदी को लेकर आप परेशान चल रहे हैं तो आपको पूरा फोकस अपनी योजनाओं पर ही लगाना होगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। घर परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और उन पर अमल करना होगा, लेकिन अति उत्साहित होकर किसी बात के लिए हाँ ना करें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए आज पछतावा होगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को मंजूरी मिलने के कारण माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय जरूरी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। संपत्ति संबंधी विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। किसी वाहन के प्रयोग से आपको सावधानी बरतनी होगी। मकर राशि, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने आवश्यक मामलों में ढील भी नहीं बरतनी है। संतान को आप किसी यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। आपको व्यर्थ की चर्चा में पड़ने से बचना होगा और आपको अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने कामों को समय से पूरा कर पाएंगे। आप किसी बड़ी डील को फाइनल करने से बचें। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप कुछ अन्य लोगों से मेल जोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है और पारिवारिक मामलों में आप अपनी पूरी रुचि बनाए रखें, नहीं तो कोई जरूरी बात घर से बाहर जा सकती है। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी, लेकिन आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि कोई कष्ट हो। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस के काम को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन फिर भी वह उन्हें समय से पूरा कर पाएंगे। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए सुख व समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आप रचनात्मक कार्यों पर आज पूरा जोर देंगे। आपके व्यक्तित्व में आज निखार आएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप कुछ बातों को गोपनीय रखें, नहीं तो आपकी कुछ जरूरी बातों से भी लीक हो सकती है। विद्यार्थियों के किसी परीक्षा के परिणाम आने से काफी खुशी मिलेगी। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसमें ढील बरत सकते हैं। मित्रों, यदि आपको ये सारी जानकारियाँ लाभदायक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ देता रहूं, और अपने प्रियजनों में इसे अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और अपने विचार कमेंट के थ्रू अवश्य हमें दें ताकि हमें आगे भी ऐसी वीडियोज़ को आपके पास ला सकें और उसमें कोई सुधार कर सकें। धन्यवाद।